पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है, आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से, paneekikahani.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। I will show one technology, just a 2 to 3 minutes video about one rainwater harvesting innovation. And this innovation was showcased in United Nations Solution Summit at New York. So what I wanted to talk here, ये पानी की समस्या के ऊपर मेरी पहली इंटरेक्शन यहाँ पर डीसी हुआ करते थे सुधीर राजपाल, उनके साथ हुई थी। मैं अभी चाय के टाइम पे बात कर रहा था कि किस टाइम पे वो थे, तो मुझे याद दिलाया गया कि 2005 में होते, और 2005 में उन्होंने हमसे कहा था कि सहगल फाउंडेशन काफ़ी काम कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, तो आप लोग कुछ सुझाव दीजिए कि गुड़गांव का रेन वाटर हार्वेस्टिंग या क्या ऐसा हो सकता है कि डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल्स को इसी तरह से ठीक किया जा सके। उस टाइम पे एक सॉल्यूशन के तौर पे हमने सुझाव दिया था, और वो सुझाव था कि हमारा आज का जो रेन वाटर को कैरी करने का मॉडल है वो क्या है कि जगह जगह से, घर से, फिर क्लस्टर ऑफ हाउसेज जो है वहाँ से पानी निकलता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाता है, फिर दूसरे सेक्टर्स का वो बड़ी ड्रेन में मिलके, और फिर अल्टीमेटली नजफगढ़ लेके जाता है। तो हमने उनको एक सजेशन ये दिया था कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में पार्क्स हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जितना भी लोकल वहाँ का पानी, पर्टिकुलरली रेन वाटर वहाँ पे पैदा हो रहा है, उसको उस पार्क के अंदर ले जाएं और पार्क को सड़क के लेवल से 6 इंच 9 इंच डाउन कर लिया जाए, तो बड़े आराम से उसमें वो पानी चला जाएगा, और वहीं पर आर्टिफिशियल रिचार्जिंग की एक शेफ्ट, रिचार्ज वेल वगैरह बना लिया जाए, उसका भी पूरा डिज़ाइन वगैरह हमको दिया था। साथ ही हमने ये भी सुझाव दिया था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, और बेहतर होगा कि उन्हीं के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। काफ़ी साल बाद हमने देखा कि वो कुछ सेक्टर्स में वो रिचार्ज वेल वगैरह बनने शुरू हुए। जब वो बनने शुरू हुए तो हमने फिर हुडा से कॉन्टेक्ट किया कि भैया क्या हो रहा है, तो पता चला कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क्स में की जा रही है। 2-4 सेक्टर्स में मैंने जाके देखा तो पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने उन जगहों पर किया जहाँ पानी आता ही नहीं है।
पानी आता ही नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? तो उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने इनका पूरा ये डिज़ाइन दिया था, मैं इसके लिए गुनाहगार हूँ। और मैंने उस टाइम पे ये भी सजेस्ट किया था कि ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर होना चाहिए और उन्हीं को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि कल उसको मेंटेन भी वो कर सके। एंड दे नो वेरी वेल कि कहाँ पे पानी कितना आ रहा है, किधर से जा रहा है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी था। आपका कॉन्ट्रैक्टर तो जो उसको इजी साइट लगती है उस पर जाके कर रहा है। उन्होंने कहा कि साहब हमारी मजबूरी है कि हमें तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही काम करना है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट आंसर। आज भी वही एक मॉडल अडॉप्ट हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो काम करेगा। अब ये मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, क्या इस मॉडल के अंदर कहीं कुछ हो सकता है कि नहीं? तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या जो हम पानी को इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं और फिर उसको नजब के ड्रेन की तरफ मोड़ने देते हैं, क्या ये एक सस्टेनेबल मॉडल है? बिल्कुल मेरे को तो नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल मॉडल है। उसका डिस्पोजल लोकलाइज्ड होना चाहिए और अगर लोकलाइज्ड हो जाएगा, आप लोग काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिशियंस हैं, आप लोग कहीं कोई ये देखिए कि गुड़गांव के अंदर इतना रेन वाटर आ रहा है और उसको अगर हम लोकलाइज्ड करके रिचार्ज करें तो वो कितना सस्टेन कर सकता है, हमारी कितनी वाटर डिमांड है और कितना हम उसमें से मीट आउट कर सकते हैं जस्ट बाई परकुलेटिंग द रेन वाटर इन टू द ग्राउंड। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, बाहर से पानी ला के कोई लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाया है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा कि सिंगापुर के पास अपना पानी नहीं हुआ करता था, आज उन्होंने अपना पानी पैदा किया है और सिर्फ रेन वाटर बेस्ड किया है। तो अगर गुड़गांव को भी सस्टेन करना है तो हमें इम्पोर्टेड वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। ये ठीक है कि और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो आसान रास्ता जो दिखता है उसको एडॉप्ट कर लेते हैं।